तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च इंजन में कैसे बता सकते हो कि हमारा ब्लॉग एग्जिस्ट करता है। इससे जो जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आप यूजर को लाइए हमारे ब्लॉग पर ताकि वो ब्लॉग पर पढ़ सके। तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। ये पहली वेबसाइट खुलेगी आपको, search.google.com वाला URL होगा, इस पर जाना है। यहाँ पर आपको डोमेन स्पेसिफिक डालना है, अगर आपका कोई डोमेन ले रखा है पर्टिकुलर तब डालिएगा, अन्यथा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ये URL कौन से लेकर ये मैं पूरा का पूरा URL कॉपी कर लूँगा एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा, वेरिफिकेशन चेकिंग वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाई करेगा ये कि आपकी ही प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड यानी कि मैंने सेम अकाउंट से ही सेम से ही किया तो ऑटो वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी कि कैसे मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को टैग ट्रैक कर सकता हूँ कि क्या क्या सर्च करने पर, कौन सी क्वेरी सर्च करने पर मेरा ब्लॉग आ रहा है। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर ये मैंने अभी किया है तो लगभग ये 48 से 72 घंटे का टाइम लेता है रजिस्टर्ड होने में। वेलकम टू सर्च कंसोल, डन। मैं यहाँ पर डन हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी सेटअप कर दी है मैंने यहाँ पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर URL, जैसे URL इंस्पेक्शन की या फिर परफॉर्मेंस की, जैसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर आप सर्च कंसोल पर रजिस्टर कर लेते हो तो परफॉर्मेंस अभी दिखेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने है डाला है जैसा मैंने बताया 48 से 72 घंटे में। सारी चीज़ें देख सकते हो, परफॉर्मेंस URL का, पेजेस कौन सा है, साइट मैप है नहीं है, कोई चीज़ हटानी है, पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, कोरल वेब वाइटल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप कोई वेबसाइट ऑन करते हो तो ये ज़रूर देखना अपनी वेबसाइट का, इससे आपको SEO में भी काफ़ी हेल्प होगा। और दोस्तों अगर आपका जैसे मेरा तो यहाँ पर सेम गूगल अकाउंट था तो इसलिए ऑटो वेरीफाइड हो गया। अगर ऑटो वेरीफाइड नहीं होता है तो आपको यहाँ पर एक कोड देगा, वो खुद यहाँ पर गूगल जो ये है गूगल सर्च कंसोल वाला, वो कोड आपको क्या करना है कि अपने ब्लॉग में जाना है, HTML खोलना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, थीम में गया, थीम्स में जाने के बाद जैसे मैंने बताया था पहले की तरह आपको एडिट HTML में जाना है। HTML में जाने के बाद आपको यहाँ पर वो जो कोड होगा ना वो कहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर मैंने क्लिक किया फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है वो कहाँ पर, हेड में यानी कि जो हेड है ना उसके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हेड है इसके जस्ट नीचे आकर के मैं यहाँ पर जाकर के वो पेस्ट कर दूँगा जो भी मुझे कोड मिलेगा गूगल सर्च कंसोल की तरफ से। आप चाहो तो इसे यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर देना, इसके बाद ही अगर वो जैसे वेरीफाई नहीं होता है तब जाके आपको करना है वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका पता चल जाए गूगल को भी कि यार आपका भी ब्लॉग एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से आप अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल में रजिस्टर करवा सकते हो और अपने ब्लॉग का SEO ज़्यादा मतलब SEO वाइज परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो रजिस्टर करने पर। मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, बाय बाय।